सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना आपका बॉन्डिंग है साजिद सर के साथ और वाजिद सर के साथ। जैसे आज साजिद सर का बर्थडे है, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बॉन्डिंग की बात यह है कि मेरा तो और छोटे भाई का भी, दानिश साहब भी, मैं शबाब साहब भी, तो जो भी बॉन्डिंग है वो हम लोगों की बचपन से ही है, क्योंकि हमारी इब्तदाई इसी घर से हुई है। और जो मैंने ओपनिंग रही है मेरी, वो साजिद वाजिद सर के साथ ही, दबंग फर्स्ट जो रही है दबंग वन से, उससे और अभी तक वही सफ़र चल रहा है। हाँ, बस सेम वही बात है शबाब भाई ने बताया, क्योंकि शबाब भाई मेरे बड़े भाई भी हैं और हमारी भी इब्तदा मतलब यहीं से ही। मैंने शबाब भाई ने, शबाब भाई गाते हैं, सिंगर हैं, इसी तरीके से मैं भी एज ए सिंगर आना चाहता था मार्केट में, मगर मुझे एज ए लिरिसिस्ट उतारने की राय भी साजिद वाजिद सर ने दी और इनके ज़रिए मेरे फिर गाने आने चालू हुए। मतलब ओके, दबंग 3 की बात करें तो उसमें आपके 4 गाने आपने लिखे और सर ने एक गाना भी गाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या। हाँ, वो भी गाना मेरे लिए अच्छी बात है कि साजिद वाजिद सर ने जो गाना शबाब भाई को गवाया है वो भी मैंने लिखा है, क्योंकि शबाब भाई ने पहले दबंग में गाना गाया था और अब दबंग 3 में इनका दूसरा गाना आया, तो इनके 2 गाने हो गए। मैं इनका छोटा भाई हूँ तो कम से कम मेरे 4 होने चाहिए, इसलिए मेरे 4 गाने इसमें आए। और मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि चारों गाने अलग अलग हैं। शबाब भाई ने जो गाया दबंग दबंग, वो बड़े दबंग स्टाइल का गाना था। फिर नैना लड़े के लड़े के रह गए, वो बड़ा रोमांटिक गाना था। फिर मुन्ना बदनाम हुआ, वो बड़ा अलग किस्म का गाना था। और फिर यूं करके मेरे पास से गुजरी, यूं करके तो ऐसा नहीं होता कि मतलब लिखना इतना आसान होता है कि हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। मतलब एक माहौल बनाना पड़ता है और यहाँ से नहीं, मतलब उस कैरेक्टर में ढल के लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं रोमांटिक जोन में घूम रहा हूँ कि मुझे आज नैना लड़े के लड़े लिखना है, तो एकदम फ़ोन आ गया और फ़ोन पे बोला कि जल्दी से इधर आओ स्टूडियो और आकर हुन दबंग की कुछ लाइनें चेंज करनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था, मगर इसके बावजूद काफ़ी मेहनत हुई। 5-6 महीने तक हमने इसमें मेहनत की, एक लाइन के ऊपर बड़ी मेहनत हुई। और फिर आपके सामने अब सब म्यूज़िक आ ही रहा है, हुन दबंग शबाब भाई ने गाया है, बहुत लाजवाब गाया है। और बड़े शबाब भाई, मेरे बड़े भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई बहुत दबंग सिंगर भी हैं। और साहब क्या कहना चाहिए, जो लिरिक्स लिखा गया है, जो उन्होंने लिखा है, इतना अच्छा, कितना अच्छा लगा आपको पर्सनली? देखिए, मेरी खुशनसीबी रही है कि इतना खूबसूरत कंपोज किया होगा ना, क्योंकि उस जो आपने दबंग पहले सुना है टाइटल ट्रैक, उससे बिल्कुल हटकर ये टाइटल ट्रैक है जो साजिद वाजिद सर ने मुझे गवाया है। और 40 महीने लास्ट दोनों लिखे हैं और अब के दानिश ने लिखा है, बहुत हटकर लिखा है। कंपोज तो क्या कहने साजिद वाजिद सर की, और हमारी खुशनसीबी रही और इतना अच्छा टाइटल सॉन्ग मुझे गाने का मौका मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साजिद वाजिद सर का। ओके, लिखते ही यार सिंगिंग टाइप के सलमान सर के साइड से कोई एक टिप्पणी या कोई ऐसा कोई सजेशन था आपके लिए क्या, जिसे आपको लेकर हेल्प हुई आपको राइटिंग में? सलमान सर की तरफ से, सलमान सर का और साजिद वाजिद भाई के साथ काम करने का एक फ़ायदा होता है, ये एक आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड देते हैं खेलने का, कि आप आराम से खेलो, बढ़िया लिखो। और जहाँ जो लाइन बढ़िया लिखी जाती है उसमें मैंने हमेशा देखा है साजिद वाजिद सर की तरफ से भी, सलमान भाई की तरफ से भी, मैंने पहले भी कुछ गाने लिखे हैं सलमान सर के लिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये लाइन चेंज करो, क्योंकि आजकल होता है ऐसा, एक गाने को इतनी बार चेंज किया जाता है कि वो गाना ख़राब हो जाता है बिल्कुल। और आजकल पुराने गाने को नया कर रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं म्यूज़िक डालने के बाद उनका, मतलब उस ज़माने में इस तरह का म्यूज़िक आना बहुत बड़ी बात है और बहुत कमाल म्यूज़िक दबंग का बना है और बड़ा मज़ा आया काम करके। ओके, इसके अलावा दबंग 3 के अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप अगर शेयर करना चाहें जो आपकी आ रही हो? अभी हम लोग दबंग की बात करें तो दबंग की बात करेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट जब आएंगे उसकी बात तब होगी। अभी तो मेरा अपना करम है, मेरे अपने गवारे हैं, मेरी अपनी चलत है, मेरे अपने सहारे हैं, आजाद परिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ,
मैं हूँ दबंग 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 मैं हूँ दबंग 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 मैं हूँ दबंग 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 उड़ उड़ दबंग 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 साजिद भाई के बारे में जितना मैं जानता हूँ बहुत फुल ऑफ लाइफ हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि वो हर मोमेंट एंजॉय करते हैं और उनकी जो मस्ती है उनके काम में झलकती है, उनकी लाइफस्टाइल में उनका जो लाइफस्टाइल है वो उनके काम में झलकता है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो पॉजिटिविटी है वो उनके गानों में उनके काम में झलकती है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब उनके साथ में रहते हैं और मेरी बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं कि ऊपर वाला करें उनको बहुत लंबी उम्र हो और वो एकदम सेहतमंद रहें और बहुत स्वस्थ रहें बस। ओके आपने उनके साथ काम भी किया है और वो अपने टॉर वगैरह का हाइफन मॉडल है, बहुत ही ओपन माइंडेड है, तो कोई मेमोरी है जो शेयर करना चाहेंगे? साजिद भाई का के साथ में जब आप रहते हो तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ना सब कुछ भूल के आया हूँ, दुनिया छोड़ आया हूँ, उस तरह का मुझे फीलिंग आती है क्योंकि वो अपने जोन के अलग बंदे हैं। मुझे एक बहुत ही ख़ास मेमोरी, जब मैं ना नैना लड़े रिकॉर्ड कर रहा था तो साजिद भाई के साथ, क्योंकि हमेशा मैंने डबिंग की है वाजिद भाई के साथ, तो ये पहला मौका था जब मैं साजिद भाई के साथ में डबिंग करने का मौका मिला, तो बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ म्यूज़िक की बातें उनसे जानने को मिली। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ना जो फर्स्ट मुखड़ा मैंने गाया है नैना लड़े का, तो उसके अंदर जो टेक्सचर है वो टेक्सचर मैं डिफरेंट स्टाइल से गा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा टोन रखो वॉइस में, थोड़ा सा ना शार्पनेस रखो वॉइस में, थोड़ा एज रखो, तो वो एक बहुत मुझे बहुत सरप्राइज लगा, मतलब मुझे बहुत हैरानी रही क्योंकि मैं साजिद भाई को इतना म्यूज़िकली इतना नज़दीक से कभी देखा नहीं, तो ये सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो एक बहुत ही ख़ास मेमोरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उस मेमोरी का इस गाने के साथ, इस म्यूज़िक के साथ में, और जोक्स बहुत क्रैक्स करते हैं वो, और ऐसे ऐसे किस्से हैं उनके पास, ऐसे ऐसे जुमले हैं उनके पास, क्या ना वो बताना बड़ा मुश्किल है, बस फुल ऑफ लाइफ है और लाइफ एंजॉय करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जैसे आप हमेशा न्यू कमर्स को सपोर्ट करते हैं, न्यू टैलेंट को, और एक एक दमन तरीके साथ एक न्यू जो टैलेंट आ रहे हैं उनकी डॉटर आ रही है, सो कितनी बधाई है। और आपने पर्सनली भी अगर सुना होगा उनको या आपने मैं जानता हूं किया है, क्या कहना चाहिए? मुस्कान बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और ना उसने बहुत ही बहुत ही कमाल का गाना गाया है और गाना बहुत अप्रिशिएट हो रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि ना खून में म्यूज़िक है, म्यूज़िक की फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो कुछ ज़्यादा उनको उनके बारे में या कुछ उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक माहौल में पली बड़ी है और जिस तरह का माहौल उनको मिला है वो उनके गाने में उसकी झलक आ रही है और पता चलता है कि ना एक म्यूज़िकल फैमिली से कोई लड़की है जो गा रही है, तो बहुत अच्छा उसका जो सेंस है म्यूज़िक का वो बहुत मज़ेदार है। ओके सर, लास्टली एक कोई अगर एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप ज़्यादा आपके वॉइस बर्थडे सॉन्ग है? ओके, यू वांट सिंग, यू वांट मी टू सिंग नैना लड़े और डिफरेंट? श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके, दिल की बातें कही हैं उसने जो दिल की बातें कही हैं, उसने पलकें झुका के एक नज़र उसने देखा हमको जो मुस्कुरा के, हम जहाँ थे वहीं पर खड़े रह गए उनसे नैना लड़े के, लड़े रह गए 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 नैना लड़े के, लड़े रह गए।
रह गए नैना लड़े के लड़े रह गए। थैंक यू वेरी मच। क्या प्लान है आज के स्पेशल, किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? आज मेरे बहुत सारे दोस्त आए, वो मुझे आसमान में लेके जाने वाले हैं। यू कैन सी दिस, ये सारे मेरे बर्ड्स हैं ना, ये सब इनके साथ में उड़ने वाला हूँ आज। मुस्कान की तरफ से तो आई गेस ऑलरेडी एक गिफ्ट मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने भी अपना यू नो अपने कदम रख दिए हैं, बॉलीवुड में आवारा सॉन्ग गाया है। तो क्या लगता है इस साल का बेस्ट गिफ्ट होगा मुस्कान की तरफ से ये? एक्चुअली यू आर 100% करेक्ट कि इस साल का बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, बिकॉज मुस्कान माई स्टूडेंट आवर डॉटर who's really worked hard, and this is the first time, I mean, she's coming in front of you all, and I really don't want to talk much about her. ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, because उसका जैसे कि आप जानते हैं कि साजिद वाजिद का काम बात करता है, साजिद वाजिद ज़्यादा बात नहीं करते, वैसे ही आई हैव टॉट हर कि यू नो बेटा अपना काम से लोग बागों से रिलेट करो, ना ही कि यू नो गेट इन टू द ऑर ऑफ दिस थिंग। एंड ये पहली शुरुआत है, आई थिंक शी इज़ एंटर्ड द डेंजर जोन। वो सब लोग को उस जोन में घुसना होता है, बट आई थिंक शी इज़ एंटर्ड दैट डेंजर जोन। अब वो अपना करियर खुद बनाएगी और खुद उसको चलेगी, एंड आई थिंक शी इज़ आवर डॉटर एंड शी विल मेक अवर मार्क बाय हर सेल्फ, वी डोंट नीड टू प्रेज हर और समथिंग, एंड शी इज़ पावरफुल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर के उसमें एक आदत सी बन गई है, वो रोज़ सुबह उठ के अपना प्रैक्टिस करती है, रोज़ सुबह उठ के व्हेनेवर आई गेट अप, मैं जब भी उठ के बाहर निकलता हूँ तो आई कैन हियर द पियानो गोइंग ऑन, तो इट्स अ गुड साइन। आई फील के सबके बच्चे अगर इस तरीके से मेहनत करेंगे तो उनको वो भी रास आएगा, तो आई थिंक इफ शी इज़ डूइंग इट तो दैट्स वाई शी इज़ गेटिंग इट। मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। ऐसा फादर कितने नर्वस थे या इमोशनल थे जब आपको पहली बार देखा कि आप सिंग कर रहे हैं आपके साथ? मेरी शक्ल और गौर से देखो, मैं तुम्हें नर्वस कभी भी दिखता हूँ? आई एम नॉट नर्वस, आई एम वेरी प्राउड, एंड आई न्यू इट कि मेरी औलाद है ये, शी विल स्ट्राइक इट। बट द थिंग इज, पता नहीं कौन सा गाना आके आपको कहीं पे भी सरप्राइज कर देता है, आपका इम्तिहान ले लेता है, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एंड when she has father like her, she's got lot of cousins, lot of chachas, mamas who are into music. And at the same time, she's got Salman Bhai who supported her and who believed in her and who gave her and told ke tell Muskan to welcome into Davantri. So yes, of course, wo ek peedi ke baad ek dusri peedi jod rahi hai. So it's a beautiful thing, I think. Aur ye log agar mehnat karenge aur sabse sahi se chalenge, to I think koi badi baat nahi hai. She will do it. Muskan, you know, it's been आपने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे डैड को, बट बिसाइड्स दिस सॉन्ग, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम योर साइड व्हिच यू हैव गिवन हिम? बिसाइड्स दिस सॉन्ग, या नो, आई स्टिल हैव टू गो शॉपिंग, स्टिल हैव टू बाय हिम गिफ्ट्स, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। एनीथिंग, एनी टारगेट और एनीथिंग लाइक यू वांट स्पेसिफिकली दैट या आई वांट टू गिव हिम, एंड यू हैव डिसाइडेड समथिंग इन योर माइंड? Maybe give him his first award, because he had told me once ki jis din you get your first award it will be mine. So maybe I have to work very hard for that. She was telling me one day, well, daddy, you are a very lucky guy, you know, because you've got so many awards and all this thing. I said, these awards are not mine awards. I said, these are my father's award, who taught me to be at this stage, and this all these achievements is his achievement, which I got it for him. The day you will get an award, that will be my award. So that's what she's talking about, okay. Her first award. So I have to give him his first award. Okay, साजिद सर, हमने ये भी देखा कि आप हर साल अपने बर्थडे के साथ आपकी मम्मी का भी बर्थडे बनाते हैं साथ में अपने, ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या थिंकिंग है जो आप हर साल आप दोनों एक साथ बनाते हैं? एक्चुअली चक्कर क्या हुआ, मैं कभी भी अपना बर्थडे बनाता नहीं, मगर एक टाइम मैं हमेशा अपने बर्थडे पे बाहर निकल जाता था और ट्रैवल करता था, अकेला चला जाता था, बताता नहीं था। दैट वाज माय फन टाइम, दैट वाज माय टाइम जब मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता था, डिस्कवर करता था, लोग बागों से मिलता था कि यार हम इनकी ज़िंदगी में इतना प्रभाव रखे, आए हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सो इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंड, वन फाइन डे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे घर वालों ने पार्टी रख दी, एंड मैं बैठ गया केक काटने के लिए बैठ गया, एंड बहुत सारा क्राउड था, और उस बहुत सारे क्राउड के अंदर मेरी मॉम भी खड़ी हुई थी, एंड क्राउड के अंदर मेरी मॉम ऐसी लग रही थी कि शी वॉज वन ऑफ द क्राउड, एंड शी इज़ ऑल्सो क्लैप
clapping for me and, you know, singing happy birthday for me. And I just looked it up and I realized for the first time that, you know, my mother, who kept me for 9 months in her stomach, and I was a, that what you call surgery kid, you know. So she went through so many things just to give me a birth, and today I was born, and people, everybody is celebrating me, nobody is celebrating her. Nobody is giving that importance that what she went through, how much pain she went through to, you know, to for a stud like me. You know? So I realized my mother was, you know, doing like this, and her, that motherly eyes were looking. So I just looked at her and I said, this concept is not a good concept. I said, this is the concept. So I called my mother. I said, from today onward, you will always cut this cake. And I will celebrate my birthday if you cut the cake, because this is your birthday too. I mean, after so much of pain and labor, I mean, people say ke ek aurat jab bacche ko deliver karti hai, so she goes through death, and you know. So my mother did so many things, and everybody comes, they buy a gift for me. Even my mother buys gift for me, and nobody, you know, wishes her, nobody does. So I decided, kill it. I mean, it's my mom's birthday, so I like it that way, and I think it's a good message to the world. Okay, bhai sir, Dhawan 3 ke to songs ko bahut hi pasand kar rahe hain, but ye iske sath aur ek new concept hai ki audio pehle release kar diya gaya hai, uske baad video. To iske bare mein kuch aapki thinking thi ya Salman sir ki thinking thi? Actually, is bahut sare logo ki thinking hai, but har cheez ki thinking Salman bhai yes ya no karte hain. He takes that kind of a decision, and he is mashallah se very talented and very musical man. एंड जो अपने म्यूज़िक को और अपनी फिल्मों के म्यूज़िक को और अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से अपने एडवाइजर्स में डिफाइन करते हैं. तो जहाँ तक कि हमें पता है कि दिस कॉल को लेके बहुत सारे लोग डाइसी हो गए थे कि नहीं यार, गाना पिट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा. ही हर्ड लॉट ऑफ पीपल एंड ही जस्ट स्माइल्ड एट हिम सेइंग, दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई थिंक दिस विल वर्क, दिस आइडिया विल रियली वर्क. एंड आई सेड, इफ़ यू थिंक दैट दिस आइडिया विल रियली वर्क, आई थिंक लेट्स गो फॉर इट. एंड हमको हमारे गानों के ऊपर कॉन्फिडेंस था. इट्स नॉट दैट हम कुछ सलमान भाई कुछ बकवास चीज़ डाल रहे हैं विदाउट सपोर्ट. सलमान भाई न्यू के गानों में क्या है, वी न्यू के ये गाने क्या चीज़ हैं. ये गाने जब ऑडियो ट्रैक भी निकलेगा तो ये अपना मुकाम बना लेंगे. एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी एंड इट्स अ फैंटास्टिक थिंग. और सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, दो दबंग का म्यूज़िक बहुत ही बड़ा पावरफुल हो चुका है. तो तीसरे म्यूज़िक के लिए मेरे ख्याल से इस तरीके से टीज करना है, सब बहुत अच्छी बात है. Muskan, any song you would like to dedicate to for your father on his special day? On his special day, I'll sing Awara. Actually, I am very, very, very thankful. Don't get into that. You don't have to cry, baby. It's okay. Actually, Dabang second ke andar my father tried her voice, you know, when she was a baby. एंड ये गा नहीं पाई तो मैं हंस के निकल गया वहाँ से. तो पापा और ये दोनों रोने लगे स्टूडियो के अंदर. एंड टुडे माय फादर इज़ नॉट देयर एंड शी सैंग इन दबंग 3. सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट बिटवीन मी, माय फादर एंड हर. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. और ये अभी थोड़ा सा नर्वस है, ये अभी उतनी अच्छी सिंगर नहीं बनी है कि आपके कहने के ऊपर हो जाए. बट ये सबको शी विल प्रैक्टिस एंड शी विल शो. एक गाना हो जाए. हाँ, अब आपके लिए आज आई थिंक हैप्पी बर्थडे, राइट? आज हैज़ टू बी अ हैप्पी बर्थडे. नहीं, ओके, आवारा से. पहला पहला इश्क हुआ है, पहला तजुर्बा पहली दफा है. तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, सांसों के चलने की तू ही वजह है. आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है. थैंक यू सो मच. एंड जस्ट ब्लेस हर, यू नो. थैंक यू सो मच.